यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर प्रदेश की प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब तक की तैयारियों की समीक्षा की। गोरखपुर के एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संयुक्त शिक्षा निदेशक सत्यम मंडल, योगेंद्र प्रताप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने कहा कि यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ऑरेंज जोन में 12 मई से शुरू किया जा रहा है। इसके लिए सभी सेंटरों पर सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, जिससे कोरोना का संक्रमण कापियों के मूल्यांकन पर ना पड़ सके। डायरेक्टर साहब इसको देख लीजिएगा, झांसी वाला आप आगे बढ़े, मतलब झांसी आप आगे बढ़िए, डायरेक्टर साहब परमिशन कह रहे हैं दे देंगे। डायरेक्टर साहब इसके रिस्पॉन्ड कर लीजिए, बता दीजिए क्या करना है। डीआईएस बांदा जी, आज बांदा जी, आपने सुन लिया, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए अपने काम से। जी सर, ये आपकी परमिशन अभी जाकर के जारी कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। ये अप्लाई किया है सर, हमारे यहाँ व्यवस्था सब हो चुकी है सर, डॉक्टर से भी बात हो गई है और वो थर्मल स्कैनिंग सुबह 9 बजे से कराएंगे सर। सैनिटाइज एक बार करा चुके हैं, फिर भी सर कल से भी उन्होंने कह दिया कराएंगे मॉर्निंग से सर। ये परमिशन सुल्तानपुर, ये प्रणाम मैम, हमारे यहाँ सर व्यवस्था हो गई, हमारे यहाँ चारों केंद्र पर थर्मल स्कैनिंग के सेवन साहब से बात हो गई, उन्होंने इसलिए तो इसलिए लिखा था सर कि उसी दिन शुरू कराने को उन्होंने कहा था, तो कल हो जाएगा सर, हमारे कल से होगा सर। गोंडा, यस गोंडा, प्रणाम सर, आपके यहाँ भी 5 में से 4 सेंटर में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है और अभी थर्मल स्कैनर की व्यवस्था किसी सेंटर में नहीं हो पाई है और 3 सेंटर्स में आपके अभी डीएम की परमिशन नहीं मिली है सर। आज बात हुई डीएम साहब से, उसमें से 4 सेंटरों का परमिशन मिल गया है, 1 सेंटर में नहीं होगा क्योंकि वो क्वार्टर सेंटर बना हुआ है, नहीं हो पाएगा, शेष 4 में होगा। आज सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, वहाँ हुआ है। कौन सा सेंटर है आपका? शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज, FAA गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, TGSE, SASBS, यही सर, मैम यही। मूल्यांकन कहीं और कर ले, स्थान जो उसके नजदीक में जो स्कूल है मैं वो भी बनाए गए हैं क्वार्टर सेंटर, इसलिए वहाँ विकल्प अभी नहीं दिख रहा है, हो सकता है कि इधर 2-4 दिन में वहाँ स्थिति संभल जाए तो वहाँ पर उन्हें। नहीं जी सर, आप उस पर नहीं निर्भर हो सकते, आपको ये चेंज करना ही पड़ेगा मूल्यांकन, इस बार सोच करके चेंज कर लीजिए क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर नहीं बदलेगा। ठीक है, इसको आप करिए, बात करिए डायरेक्टर साहब से, बात करिए नीना से, बात करिए उसको चेंज कराइए आप। बहराइच, आपके यहाँ 3 सेंटर हैं, तीनों में अभी सेंटर सैनिटाइजेशन की प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है और जिलाधिकारी महोदय का परमिशन नहीं मिला है। बहराइच सर, हमारे यहाँ सूचना ये त्रुटिपूर्ण चली गई सर, हमारे यहाँ बहुत पहले ही 4 तारीख को ही जिलाधिकारी परमिशन मिल गई सर, 5 दिन शुरू हो गया है, तो हमारे तीनों सेंटर सर 3 दिन बाद से टाइम हो गई, ये सूचना सर गलती चली गई सर, हमारे यहाँ सारी ठीक है। ठीक है सर, ध्यान रखा करिए, गलत सूचना आपका इम्प्रेशन गलत हो जाता है। जी जी, श्रावस्ती, आपके यहाँ भी सर सेंटर सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग और डीएम परमिशन, 3 चीज पेंडिंग है। ओके, ऐसे गोरखपुर इज ओके, वाराणसी में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में आपके सेंटर सैनिटाइजेशन अभी नहीं हो पाया है, आपके साथ ही में डीएम साहब की परमिशन आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है। नहीं सर, डीएम साहब की परमिशन भी सर हो गई है और सारे सेंटर सैनिटाइज हो गए थे 4 तारीख को, फिर दोबारा भी कल हो गए। और परेशानी मैम, मैं विजय सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षा का बेटा नगर। हाँ बताइए मैम, हमारे जनपद में 4 मूल्यांकन केंद्र हैं, जिनमें से की एक मूल्यांकन। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। मैम मैं हमारे जनपद में 4 मूल्यांकन केंद्र हैं, जिनमें से एक मूल्यांकन केंद्र पर 13 तारीख को मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा और दूसरे पर 17 तारीख को और बाकी 2 में 20 को समाप्त हो जाएगा। मैम कुछ प्रपत्र की कमी पड़ रही है,